खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा क्षेत्र की सीजीआई इंसुलेटर फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक खुर्जा क्षेत्र के गांव सोंदा हबीपुर का बताया जा रहा है, जिसकी मृतक की उम्र 30 साल बताई जा रही है। तो वहीं मृतक का शव लेकर परिजन और गांव सोंदा हबीपुर में दर्जनों किसान सीजीआई फैक्ट्री के अंदर धरने पर बैठ गए हैं और सीजीआई फैक्ट्री के मालिक से मिलने की मांग पर अड़े हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक मजदूर की हादसे में दर्दनाक यहां पर मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजन लगातार यहां पर धरने पर बैठे हैं। सीधे तौर पर देख सकते हैं, सहयोगी से कहूंगा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें, जो कि सोंदे हबीपुर गांव का मृतक बताया जा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो कि यहां पर काम करने के दौरान मजदूर की हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, जिसकी बॉडी पिछले 3 घंटे से यहां पर लगातार उसी स्थिति में पड़ी हुई है। बात करने की कोशिश करेंगे जो कि परिजन यहां पर धरना किस मैटर को लेकर यहां पर धरना दे हुए हैं, जो कि पिछले 3 घंटे से लगातार परिजन वो धरने पर बैठे। हमारे साथ मृतक के परिजन मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है, जो ये खत्म हुआ है भैया, इसका कोई सहारा नहीं है। जमीन जायदाद है नहीं बिल्कुल भी, पिताजी भी है नहीं, भाई भी शायद एक ही हैं, वो भी विकलांग हैं। इसके लिए हम लोगों का यही प्रयास है, पूरी बस्ती का, पूरे क्षेत्र का, कि भाई इसकी जो भी है, इसकी घरवाली की, इसके बच्चों की मदद की जाए और इसकी उचित से उचित इसको सहायता दी जाए। कितना समय हो गया डेड बॉडी पड़ी हुई यहाँ? 3 घंटे हो गए जी इनको। 3 घंटे से अभी तक किसी ने कोई किसी ने बात नहीं की है। इनके मालिक जो किसी के संपर्क में है नहीं, एक मैनेजर थे इनके कंपनी के, वो भी यहाँ से चकमा देके निकल गए। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का क्या सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन है जी यहाँ पे, जो वो लोग अपनी जो ड्यूटी है उसे निभा रहे हैं जिम्मेदारी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से इसी स्थिति में बॉडी पड़ी है, ये एक चिंता का विषय है। और अगर अभी और भी समय लगा तो क्या करेंगे आप? जी हम यहाँ पे अभी जो बर्फ की सिल्लियाँ मंगाएंगे, चाहे हमें 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, बॉडी यहाँ से तभी उठेगी, तब यहाँ कोई डिसीजन फाइनल होगा। तो अपने फैक्ट्री मालिक तक ये बात नहीं पहुँचाई कि वो बात करने के लिए यहाँ? नहीं, फैक्ट्री मालिक यहाँ किसी के संपर्क में नहीं है, वो अपने ही स्टाफ के संपर्क में हैं और उनका नंबर उन्होंने बंद कर लिया है। क्या है जो बता रहे हैं, जेन्युइन हमको जानकारी नहीं है, हमारे पास किसी का कोई नंबर नहीं है, तो उनसे कोई संपर्क नहीं है किसी का भी। तो गांव सोंदे हबीपुर के जो कि मृतक बताया जा रहा है और उनके परिवार में से ये थे, हमारे साथ बने हुए थे। और जिस तरह से अभी इन्होंने बताया था कि लगातार इन लोगों की मांगे कि जो आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी और जिसको चलते हुए जो यहाँ हादसे में, एक दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई है, जिसको लेकर जो भी इनकी मांगे हैं, मांग को लेकर ये फैक्ट्री मालिक से वार्ता करने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि पिछले 3 घंटे से यहाँ पर ये फैक्ट्री मालिक से बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फैक्ट्री मालिक, जो कि फैक्ट्री का नाम सीजीआई बताया जा रहा है, अभी तक यहाँ पर बात करने के लिए इनसे तैयार नहीं है। जो ऐसी स्थिति आगे पैदा हो सकती है कि जिस तरह से उन्होंने बताया था कि 3 घंटे का समय, जिस तरह से लगातार बॉडी यहां पर पड़ी है, एक बहुत ही चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इनको जो कि एक सहयोग मिले, जिससे कि एक धरना ये खत्म हो जाए। सहयोगी अवनी शर्मा के साथ कदीम।